हरि ओम श्री राम अम्बद्य। मेरा नाम प्राजक्ता जोशी, मैं इंदौर केंद्र मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा अनुभव अभी एक साल पहले का ही है। मेरी जस्ट अभी अभी शादी हुई है 23 जनवरी 2019 को, और इसका ही मैं अनुभव बताना चाह रही हूँ। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है, इसी का अनुभव मैं आपको इससे शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक एक साल पहले से ही पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखना स्टार्ट किए थे, और जैसे कि बाबू कृपा से मेरे लिए रिश्ते भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे थे। बस इन्हीं सिलसिले में कुछ रिश्ते हाँ होते थे जिसमें बात होती थी पर किसी कारणों से बात टूट जाती थी। एक रिश्ता ऐसा आया था अमेरिका का, वो रिश्ता मेरे लिए फाइनल हो ही रहा था और मैं उस लड़के से बात करती थी व्हाट्सएप पर ताकि हम दोनों से इंटरेक्ट अच्छे से हो पाए। तो मैंने बातों बातों में उनसे यही कहा कि मुझे मेरे बापूजी है सद्गुरु डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी, मैं उनकी उपासना करती हूँ। और बस जैसे ही मैंने बापूजी का नाम लिया और उनके बारे में थोड़ा सा विवरण किया तो उस लड़के ने मुझे बोल दिया कि मुझे श्रद्धा भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अब मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूँगी जो जहाँ पर मुझे बापूजी का इम्पोर्टेंस दे। बस मैंने तब से अब पापा के सामने यही शर्त रखी, पापा जब भी मेरे लिए आप रिश्ता देखो सबसे पहले यही बात करना कि मुझे वहाँ पर बापूजी की पूजा करने की अनुमति मिले। तो बापूजी ने भी सुन लिया। मेरे पास में ये लॉकेट है, मेरा ये मेरा बहुत फेवरेट लॉकेट है, मतलब मेरी लाइफलाइन है। जब भी मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है या जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तो यहाँ पे बापूजी का फोटो है, मैं बापूजी से शेयर करती हूँ। मैं जब भी खुश होती हूँ बापूजी से बात करती हूँ, और जब भी दुखी होती हूँ तो बापूजी से ही शेयर करती हूँ। तो अब बापूजी तो मेरे पापा है, अब पापा को अपनी बेटी की चिंता तो रहेगी रहेगी। अब बापूजी ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं, वो राव का ही रिश्ता निकला। अब वो राव का रिश्ता निकला, बातें चलती रही और बातों में मैंने बापूजी के बारे में कहा उनसे कि बस मुझे आपका पूरा व्यवसाय, उनका कृष्णा ग्राफिक्स है जहाँ पर मेरी अभी अभी शादी हुई है, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है और 10 लोग हमारे यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। बस मैं पहले दिन जब गई थी मुझे वहाँ के लोगों ने बताया था कि हम लड़की को देखना चाहेंगे और लड़की को हम हमारे घर पर ही देखना चाहेंगे। तो मैं मेरे पूरी फैमिली के साथ में वहाँ पर गई थी, हम लोगों की वहाँ पर सबसे इंटरेक्ट हुआ और मैंने बापूजी का वहाँ पर चर्चा करी कि मुझे आपका सब कुछ पसंद है, मुझे आपकी फैमिली, लड़का, सब कुछ पसंद है, बस मेरी एक ही कंडीशन है कि मुझे बापूजी की पूजा करने के लिए यहाँ पे मिलेगा क्या। सब लोगों ने काफ़ी आश्चर्य किया कि आजकल के ज़माने में ऐसी लड़की, मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो ऐसी बातें कर रही हूँ, पर फिर भी मेरी सास ने, ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे उसी वक्त कह दिया कि हाँ आपके बापूजी का बिल्कुल यहाँ पर आपको जो करना है आप कर सकते हो। और मेरी सास ने उसी दिन मुझे बोल दिया कि मैं एक कमरा तुम्हारे लिए बापूजी का दूंगी, वहाँ पर तुम उस कमरे में केवल तुम बापूजी की और भगवान की ही पूजा करना। अब रिश्ता तो जुड़ गया, अब हम मिडिल क्लास फैमिली है, पर बापूजी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा कि वो बहुत हाई फाई फैमिली है। अब बातें तो चलने लगी, रिश्ता भी पक्का हो गया, पर बात जब शादी की आई तो बजट काफ़ी लमसम निकल गया। उनके 1500 लोग थे और हमारे 500 लोग थे, तो 2000 लोगों का पूरा व्यवस्था करना, 3 दिन की शादी करना मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब ये समस्या घर में जब चालू हुई तो मैंने बापूजी से यही बोला, बापूजी आपने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा और राव के राव में ही हो जाएगा, जिससे मैं मेरे परिवार का भी ध्यान रख सकूंगी और मेरे ससुराल का भी ध्यान रख सकूंगी। पर अब बापूजी आपने अच्छा रिश्ता करवाया है, अब आपको ही आगे की ये जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट भी आप ही को करनी है। बस बापूजी से ही बात करती रहती थी, घर में भी टेंशन्स रहती थी कि अब अपन ने हाँ तो कर दिया है, शादी भी अच्छा करनी है। उस वक्त पापा के पास में बैंक में मात्र 5000 रुपये थे, मेरे पास में मेरी पर्सनल सेविंग 1,00,000 रुपये थी, पर ये काफ़ी नहीं था अच्छे से शादी करने के लिए। घर की मैं इकलौती लड़की हूँ और इकलौती लड़की के नाते शादी भी हमको अच्छे से ही करना थी, और सामने वाली फैमिली भी इतनी रेपुटेड है तो उस वजह से शादी तो अच्छी करनी ही थी। पर योग कुछ ऐसा निकला बापूजी कि मैं इतनी ऋणी हूँ कि इस जन्म में तो ये ऋण चुकाना हमारे परिवार के लिए असंभव है। पर फिर भी बापूजी ने ऐसे कुछ न कुछ चीज़ें सामने लाई, जैसे मेरे पापा के फ्रेंड, उन्होंने हमारे घर पे आए और उन्होंने बोल दिया तेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है तो मेरे तरफ से मैं तेरे दामाद को एक सोने की चेन दूंगा। तो उनके तरफ से 25,000 की सोने की चेन उन्होंने कर दी। अब बात आई कि लड़की को शादी में बर्तन देते हैं, तो बर्तन कौन देगा? तो
मेरे चाचा हैं, हमारे चाचा से डिस्प्यूट्स हो चुके थे, पर बापूजी ने कुछ ऐसा करा कि चाचा से भी हमारे अच्छे संबंध हो गए। चाचा की तरफ से पूरा गृहस्थी का जितना भी एक घर में बर्तन वगैरह जो रहते हैं पूरा सेट उन्होंने दिया। और हमारे खेत वाला हमको कभी पैसा नहीं देता था, 10 साल से पापा उसके पीछे पड़े थे, मुझे पैसे दे दे पैसे दे दे। हमने हमारा खेत बटाई पे भुसावल में दे रखा है, पर वो 10 साल हो चुके थे, वो हमको पैसे ही नहीं दे रहा था। अब पर बापूजी के हमारी श्रद्धा थी तो बापूजी ने उसके थ्रू 4 लाख रुपए मंजूर करवाए, तो 4 लाख रुपए वहाँ से भी आ गए। और कुछ हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया। अब बात आती है शादी के वक्त मामा कौन बनेगा, तो बापूजी से मैंने बोला बापूजी अब मामा भी आप ही लाओ, आप तो मेरे पापा हो, मामा हो, सभी हो, पर एट अ टाइम उस वक्त मेरा मामा कौन खड़ा होगा। तो बात ऐसी निकली कि हमारे रामबाग केंद्र में राजेंद्र खुरे बापू भक्त हैं, तो मेरी उनसे ऐसी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा मामा बन जाता हूँ। तो बापूजी ने मतलब मुझे मामा भी दिए, बापूजी ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका बापूजी के ऊपर सच में भी अच्छी श्रद्धा है तो बापूजी ना केवल आपके तन मन धन से मदद करते हैं बल्कि आपके हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरा पूरा एजुकेशन, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरा रिश्ता, सब कुछ बापूजी ने करवाया और आगे भविष्य में भी वही सब कुछ करेंगे। तो इसलिए मैं बापूजी की बहुत बहुत ऋणी हूँ, बापूजी मेरे लिए सब कुछ है। श्री राम अम्बद्या।